इस बार कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, गोविंद सिंह डोटासरा, तारिक अनवर और बीवी श्रीवास्तव को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। पार्टी इस संबंध में गुरुवार यानी 7 मार्च को होने वाली बैठक में अंतिम फैसला ले सकती है। पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस अपनी साख बचाने की कोशिश में लगी हुई है। उसके पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है और इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। हिंदी राज्यों में लगभग साफ हो चुकी कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में दिग्गज नेताओं को लोकसभा का टिकट दे सकती है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने प्रदेश इकाई की बैठकों में वरिष्ठ नेताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सीडब्ल्यूसी सदस्य, पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्षों को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। 2019 में कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता में थी, जबकि इस बार तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता की बागडोर संभाल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, गोविंद सिंह डोटासरा, तारिक अनवर और बीवी श्रीवास्तव शामिल हैं। अब देखते हैं कांग्रेस जब अपनी लिस्ट जारी करेगी तो क्या इन सभी के सभी दिग्गजों का नाम उस लिस्ट में शामिल होगा या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।